आज का हमारा शीर्षक है आत्मविश्वास। इस चैनल पर आपको कानूनी मोटिवेशनल जानकारी दी जाती है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे कानूनी और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आत्मविश्वास के विषय में यह बताना जरूरी है कि आपका जितना आत्मविश्वास होगा आप में उतनी ही क्षमता होगी, अर्थात आत्मविश्वास पर ही आपकी क्षमता निर्भर करती है। आत्मविश्वास एक ऐसा शस्त्र है जिसके आधार पर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको सफल बना सकता है, और आत्मविश्वास प्रयासों से और अभ्यास से कायम होता है। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो आप साइकिल तक नहीं चला सकते, लेकिन यदि आपने अभ्यास किया है और आपने सीखा है तो आप जहाज तक चला सकते हैं, जो आपके आत्मविश्वास का ही प्रतीक है। डर आत्मविश्वास का शत्रु है, और यदि डर है तो आत्मविश्वास पनप ही नहीं सकता, और यदि डर नहीं है तो आत्मविश्वास को कोई रोक नहीं सकता। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि आपके मन में किसी भी परिस्थिति के प्रति डर होगा तो आपने अंदर आत्मविश्वास पनप ही नहीं पाएगा। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यदि आपके मन में डर है तो आप किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर डर ने आपका रास्ता रोक दिया और डर आप पर हावी हो गया, और जब डर हावी हो जाए तो आत्मविश्वास का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो इस डर को आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु माना जाना जरूरी है। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार किया क्या जाए, डर से कैसे जीता जा सकता है। डर तभी आता है जब आप अपने आप को कम आंकते हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा काबिल समझने लग जाते हैं, तो दूसरों का प्रभाव आप पर हावी हो जाता है और आप उस प्रभाव के चलते अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को कम आंकना बंद कर दें तो जाहिर तौर पर आप में विश्वास पनपने लगेगा, और यह सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच ही वो स्रोत है जो आपके आत्मविश्वास को बनाती है, और सोच ही बने बनाए आत्मविश्वास को ढा भी देती है। अभिप्राय बिल्कुल साधारण है कि आत्मविश्वास के लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और जब तक आपकी सोच को आप नहीं बदलोगे तो आप यह समझ ही नहीं पाओगे कि कब डर आप पर हावी हो गया, और उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने अक्सर उन अभ्यर्थियों के बारे में सुना होगा जो अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और आपने उन खिलाड़ियों के बारे में सुना और देखा होगा जो प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जीत हासिल करते हैं। यह सब कुछ पहले सोच पर फिर डर को दूर करके अभ्यास से अपने अंदर आत्मविश्वास के द्वारा ही संभव हो पाता है। आपको क्या करना है यह आपका अनुभव बताता है, और आत्मविश्वास आपको उसे करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आप अपने अनुभव के आधार पर यह जानते हैं कि आपको क्या करना है, और जो कुछ भी आपको अनुभव के आधार पर करना है वो सिर्फ आप अपने आत्मविश्वास के आधार पर ही कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपने अपनी सोच बदली और अपने आप को कम आंकना बंद कर दिया, डर पर जीत हासिल की और अभ्यास करना शुरू किया, और अभ्यास से आपको अनुभव हुआ, और उस अनुभव से आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ गया, और अंत में आपने जीत हासिल कर ली। यह ही आत्मविश्वास को हासिल करने की प्रक्रिया है, और जब आप ऐसा करते हैं तो सच मानिए आपको कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। जो संघर्ष की राह पर चल सकता है वही वक्त बदल सकता है, जिसने रात से लड़ी है लड़ाई वही सूरज की तरह चमक सकता है।
आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि संघर्ष के बिना आपका वक्त बिल्कुल नहीं बदलेगा और अंधेरे जैसी कठिनाइयों और बाधाओं से लड़कर आप जब जीत हासिल करेंगे तो वो चढ़ते सूरज की तरह चमकना कहलाएगा। और यह तो आप जानते ही होंगे कि चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।